हेलो दोस्तों, बाली के एक और व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज का व्लॉग दोस्तों बहुत ही एडवेंचरस होने वाला है। आज हम जा रहे हैं एटीवी राइड के लिए, तो ठीक है शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अपना खाना पैक करवा के और भगवान का नाम लेके जल्दी से हम पहुंच जाते हैं अपनी लोकेशन पे, आउटबैक उबुद एडवेंचर। यहाँ हमारी होगी आज एटीवी राइड और हम यहाँ पे पहले कस्टमर थे। अभी हमें दी जाएगी ब्रीफिंग। दीज आर द सॉक्स, बेलिनी सॉक्स, बेलिनी सॉक्स, स्पेशल सॉक्स जस्ट फॉर दिस। तो भाई बहुत महंगी सॉक्स पहनने के बाद अब हम अपनी एटीवीज को चेक करते हैं कि हाँ अच्छे से वर्किंग में है या नहीं, और चल पड़ते हैं भाई आज की यात्रा को शुरू करने। ये हमारे गाइड साहब हैं जो आगे आगे चल रहे हैं बड़े स्टाइल में, और पीछे पीछे हम सभी गाइड को फॉलो करते हुए चल पड़ते हैं भाई। जहाँ मौका मिलता है हम वहाँ अपनी रील्स के लिए भी काम कर लेते हैं। कभी अंकित मेरा शूट कर रहा है, कभी मैं उसका शूट कर रहा हूँ, तो ऐसा ही कुछ आज आपको देखने में मिलेगा इस ब्लॉग में। दोस्तों एटीवी में मेरे को मज़ा आना शुरू हो गया था क्योंकि मेरे को कंट्रोल समझ आ गया था, और ये एक पैर लटकाए हुए आ रहे हैं हमारे दूसरे गाइड। दोस्तों जो शुरुआत का रास्ता है वो गांव के बीच से होके जाता है और ये लोग हमें लोकेशन पे लेके जाएंगे। अब देखिए रोड के बाद हम आ गए हैं डायरेक्ट जंगल में। ये प्रॉपर ऑफ रोडिंग ट्रैक है इनके बनाए हुए। दोस्तों बाली में मल्टीपल लोकेशंस हैं जहाँ पे आप एटीवी राइड्स कर सकते हैं, मोस्टली इसी एरिया में हैं। वहाँ पे कुछ लोगों ने मिलके अपने ट्रैक्स बनाए हुए हैं, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। इसमें प्रॉपर आपको ऑफ रोडिंग वाली फीलिंग है, बीच में पानी भी है, जंगल भी है, और रास्ते भी उबड़ खाबड़ हैं, ऊँचा नीचा भी है। बहुत एक फन वाली ये राइड थी। देखिए दोस्तों कितना पानी है और बहुत मज़ा आ रहा था ये राइड करते हुए। ये वन इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। आप लोग भी अगर जाते हैं तो मैं तो बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि एटीवी राइड ज़रूर कीजिएगा। चैन की रिपेयरमेंट होने के बाद हम दोबारा से चल पड़ते हैं अपनी अपनी एटीवी पे, और इस बार और मज़ा आने वाला है क्योंकि लोकेशंस बढ़ती जा रही थी, एडवेंचर बढ़ता जा रहा था। अब इस वाले ऑफ ट्रैक से हटके हम जा रहे हैं एक और जंगल वाले ट्रैक पे। बीच में कुछ देर फिर रोड वाला रास्ता है, उसके बाद में आएगा एक बहुत ही प्यारी लोकेशन। गाइस ये देखिए ये लोकेशन एक बार के लिए तो रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि लेफ्ट में आपका बिल्कुल पानी है, राइट में आपका नीचे जाके खेत हैं। अगर आप थोड़ा सा भी लेफ्ट राइट होते हैं तो आपकी एटीवी गिरने के 100% चांसेस हैं। बट बहुत आराम से बहुत तरीके से चलाने के बाद हम पहुंच जाते हैं भाई अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर, जो कि पहले वाली से भी मज़ेदार होने वाली है। देखिए अब नेक्स्ट लोकेशन। दोस्तों एक बात तो मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये एटीवीज इतनी नई नहीं थी, बट हाँ ये बस वर्किंग कंडीशन में थी। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि बहुत लोग यहाँ आते हैं और बहुत बार ये यूज़ हो रही होती है, बट ठीक है इट वाज टोटली फन एंड टोटली वर्थ इट। अब दोस्तों ये लोकेशन आप देखिए एक बार, प्रॉपर जंगल के बीच में आप हैं और तो आपके दोनों तरफ जंगल है, आप बीच में से जा रहे हैं एटीवी। इमेजिन कीजिए इन विजुअल्स के थ्रू खुद को वहां पे। और दोस्तों व्लॉगिंग इतनी इजी नहीं होती, आपने अभी अभी देखा मैं व्लॉग भी कर रहा था और साथ में मैं एटीवी भी राइड कर रहा था एक हाथ से, तो थोड़ी सी परेशानी मुझे आई थी। अब
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये लोकेशन आप लोगों को कैसी लग रही है। इसमें आप गंदे ज़रूर होंगे, मैं इसीलिए सैंडो पहन के गया था और शॉर्ट्स डाल के गया था ताकि अगर गंदे भी हो जाएं तो कपड़े बच जाएं, इतना प्रॉब्लम ना आए। समझ रहे हो आप। अब दोस्तों बात करते हैं ATV के चार्जेस क्या रहते हैं। उबुद में आपको 2000 से 3000 के आसपास में इनका रेट रहता है। आप कहीं ना कहीं बार्गेन भी कर सकते हैं, और अगर आप इनका ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं अपने होटल से इनकी लोकेशन तक आने के लिए, वो चार्जेस एक्स्ट्रा रहेंगे। मैं आप लोगों को एक लुक अराउंड देता हूँ, देखिए ये है प्रॉपर जंगल और इसके बीच में आप चला रहे हैं अपनी ATV। दोस्तों एक और सजेशन जो मैं आपको देना चाहूँगा वो है आप अपनी सनस्क्रीन लगा के जाइए, क्योंकि आपको टैनिंग का बहुत खतरा है, बहुत धूप है, बहुत गर्मी है वहाँ पे, और आप पूरे एक्सपोज रहते हैं इस पूरे ATV राइड के दौरान। और दोस्तों मेरे को यहाँ एक बात की बहुत खुशी हुई, देखिए इन भाई साहब के हाथ पे है हनुमान जी का टैटू, और जो दूसरे भाई साहब है ब्लैक टी शर्ट में उनके हाथ पे है ओम का टैटू। तो ये दोनों ही फॉरेनर्स थे, बाहर से आए थे, और मेरे को इतनी खुशी हुई थी ये चीज़ देख के कि इन्होंने हमारे देवता जी जो कि हनुमान जी हैं उनका टैटू कराया, और हमारे धर्म का जो एक साइन है ओम वो भी इन्होंने लगवाया। अब दोस्तों हम चलते हैं वापस से जहाँ से हमने ये ट्रिप आज का स्टार्ट किया था, और वही गांव के रास्ते से होते हुए हम जा रहे हैं हमारी लोकेशन पे। दोस्तों जो आप नीचे ये ग्रीन कलर की देख रहे हैं घरों के सामने राइट में अभी भी आई, तो वो चीज़ है ऑफरिंग्स। वहाँ पे हिंदू धर्म है और ये भगवानों के लिए ऑफरिंग्स की जाती है सुबह सुबह। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा ATV राइड का टूर यहीं ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसी लगी और क्या आपका भी मन हुआ है ATV राइड करने का, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।